हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण में हम इस समय शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं। शब्दों में हमने जो है रचना के आधार पर शब्दों को पढ़ लिया है कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उनके हर एक विभेदों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है हमने। उत्पत्ति के आधार पर कल जैसे मैंने आपको तत्सम तद्भव बताया, वो लेक्चर को जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने ट्रिक बताई है। उन ट्रिक पर अगर आप ध्यान दे दिए तो आप उससे बाहर तद्भुत तत्सम नहीं होगा, रटने वगैरह का काम नहीं है भैया, ठीक है। उस लेक्चर को देखिए, हिंदी की जो सीरीज चल रही है, जीएस जो चल रही है, फोकस होकर काम करिए तो चीजें वेस्ट में जाएगी। यही चीजें मैंने देखा है बच्चों में अधिकतर, कि शुरुआत में चार दिन कीड़ा होता है, उसके बाद चीजें खत्म होने लगती है, फिर कहते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, नौकरी नहीं आ रही। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो सिलेक्शन कहां से होगा, नौकरी आएगी भी तो उसमें वो सिलेक्ट होंगे जो है क्या होंगे, अपने आप की पृष्ठभूमि पर काम किए होंगे। अब आपको लगता है कि अच्छा 200 सीटें सिर्फ आ रही, इसका क्या मतलब है। तो अगर हर युवा यही सोचने लगे कि 200 सीटें आ रही, हम प्रतियोगी जो है 50 लाख हैं, आप थोड़ी सी अगर अपने अंदर हुनरबाजी रखते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि सीटों की संख्या क्या है, वहां एक सीटों में भी लोग सिलेक्शन दिए बैठे रहते हैं। इस वजह से आपको ये थोड़ा सा सोचना चाहिए पॉजिटिव माइंड के साथ कि अभी जो कुछ आपको मौका मिला है, इस मौके में जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है वो उस पर काम करना चाहिए। यानी आपके पास कम से कम ये जो आपके लॉकडाउन के मतलब दिन चल रहे हैं, इसमें अपनी तलवार की धार पर काम करिए। जब ये तेज होगा तो चाहे जो कंपटीशन होगा उस पर रखोगे वो कट जाएगा, और जब इसी पर काम नहीं होगा तो फिर बाद में मिलोगे 6 महीने बाद, फिर कोचिंग वालों को गाली देना, ठीक है, और लोगों को जो है उल्टा सीधा कहना, ये सब चीजें तभी निकलती हैं जब आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो। इस वजह से भैया अभी जो चीजें हैं इनका लाभ उठाओ। टीम पूरा प्रयास करती है, हर एक चीजें इतना बेस्ट हम कंटेंट देते, इतने बेस्ट क्वालिटी देते, फिर भी आप लोग जो है पता नहीं क्या मगन हो। पढ़िए, जो आपका कर्म है पहले कर्म तो करिए। आप पहले ही अपेक्षा करते हो, अरे क्या करें सर, सरकार नौकरी नहीं दे रही। नौकरी नहीं दे रही तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार सब कुछ हजम कर ले जाएगी। जब आप में काबिलियत होगी तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग अब जो है नौकरी नहीं मिल रही तो सबके सब यहाँ गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और पहुंच जाओगे घर और खेती बाड़ी शुरू कर दोगे। बैल जो है हल चलाना भी तो नहीं आता, ठीक है, वहां ट्रैक्टर पर बैठना जो 5-5 घंटे 10-10 घंटे, वो भी बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए मर्जी हो, देखो एक चीज है भैया, मर्जी हो समय के साथ मेहनत कर लो, अपनी जिंदगी सुधार लो, मर्जी हो अभी मौज कर लो और आने वाले दिनों में जो है मेहनत करो, तब जिंदगी के लिए आपको रोना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और अभी आपने मेहनत किया तो अभी आपकी जो मेहनत होगी ये आने वाले दिनों में आपके उज्जवल भविष्य के लिए होगी, लेकिन जब बाद की मेहनत होगी तो आप रोओगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे, कुछ समझ नहीं आएगा कि जिंदगी जा कहां रही है। तो अभी वक्त है, तब तक संभालिए और चीजों को अपनी जो आधार बिंदु है, ठीक है, उन आधार बिंदुओं पर काम करिए जहां से किसी कंपटीशन के छात्र की नैया पार होती है, ठीक है। तो उस पर काम करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सारी चीजों में इंटरेस्ट रखिए। जितनी ये भौतिक चीजें दिखती है ना, ये खतरनाक बहुत होती हैं, इस चीज को याद रखना मेरे। चलिए तो प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं भैया। निःशुल्क क्लासेज हम दे रहे हैं सारी चीजें आपको, ठीक है, जितनी भी क्लासेज हम पढ़ाएंगे उन सभी की PDF देंगे, ठीक है, नोट्स एक अच्छे प्रॉपर वे में देंगे। अब वो चाहे जिसकी क्लासेस चल रही हैं उन सभी की नोट्स हम आपको देंगे। ये 10+ कोर्सेज के नाम से हम चला रहे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो वीडियो होती है यहाँ निःशुल्क देते हैं, कि मान लीजिए बहुत सारे लोग जो है बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पर भारत जैसे देश में आपके मतलब दूसरों को सहायता देने में बहुत बड़े लोगों का योगदान रहा, तो हम टीम की तरफ से एक ऐसा योगदान है जो है परीक्षार्थियों के भविष्य को बनाए, ठीक है। तो इस समय हम लोग जो कोर्सेस आपको दे रहे भैया, ये आप बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट को आप देख लीजिए, ठीक है, क्या कंटेंट होता है, क्या टीचर पढ़ाता है, और कोर्सेज के नाम पर 3000 से लेकर 5000 तक बेचा जाता है, आप अच्छे से जानते हो। तो जहां पर चीजें सही मिल रही, फ्री मिल रही, उनका मतलब समझो और पढ़ाई करो, ठीक है। अगर यही चीजें चलनी हो, अभी इसका भी क्रैश कोर्स में परिवर्तन हो, फिर आपको समझ में आता, अरे सर आप भी पैसा लगाने लगे, हम लोग निःशुल्क ये बैठे हैं तो उसका लाभ उठाओ भैया। PDF आपको लेना है और क्वेश्चन अगर आपको लेना है तो आपको पैसा देना है। अगर नहीं लेना है, आप समझते हो कि इसका कोई मतलब नहीं होता है PDF का क्वेश्चन का, तो आप भैया वीडियो पूरा निःशुल्क है, उसको देखिए, लाभ लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें हर एक क्लास की नोट्स चाहिए,
गुणवत्तापूर्ण नोट्स चाहिए तो उसके लिए 3 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान इतना भी बड़ा है जो है नहीं है कि आप इसको जो है खरीद नहीं सकते हो। 499 रुपए में 3 महीने का प्लान है, मतलब 150 रुपए महीना। अब इतनी चीजें तो आप जानते ही हो, इतनी बुरी स्थिति में लॉकडाउन नहीं है कि आप जो है 150 रुपए महीना पढ़ाई को लेकर इन्वेस्ट ना कर पाओ। ठीक है, तो इसको सारे लोग परचेज कर लीजिए। कोई भी दिक्कत होती है, कहीं भी कोई समस्या होती है, तो ये नंबर आपके सामने संस्थान के दिए हैं, इन पर कभी भी आप कॉल करके व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो है क्लासेस की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ चीजों को याद रखिएगा। चीजें क्या हैं जिन पर आज हमें बात करनी है आपसे, वो ये है भैया कि आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर हमने पढ़ा दिया, तो अब जो पॉइंट शुरू हो रहा है ये बहुत ही आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखिए। प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी परीक्षा, चाहे टीचिंग जॉब की तैयारी करते हूं, चाहे आप जो है एसआई की तैयारी करते हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तराखंड, जहां पर हिंदी भाषी आपके राज्य हैं और जिनमें हिंदी पूछी जाती है, मेरे सभी लेक्चर उन सभी लोगों के लिए रामबाण है। आप अच्छे से देखिए, मटेरियल को पढ़िए। ठीक है, कहीं के भी हैं आप, कहीं के स्टूडेंट हैं आप, कहीं भी परीक्षा देने जा रहे हैं जहां हिंदी पूछी जा रही, उसमें इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। इसलिए बहुत विधिवत तरीके से पढ़िए। प्रयोग के आधार पर भैया जब शब्दों की यहां बात करेंगे तो इसमें 2 प्रकार के आपके शब्द बनते हैं, मैंने इन पर परिचर्चा की है। पहली चीज आपकी बनती है विकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन आना, विकार आना। और दूसरे जो शब्द के प्रकार होते हैं भैया, वह होता है अविकारी शब्द, यानी जिनमें कोई भी परिवर्तन विकार नहीं आता है। अब आखिर ये चीजें कैसे आई, विकार या परिवर्तन क्यों आता है? भैया ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिन पर जो है क्रिया लिंग और वचन, जो लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है और कारक का प्रभाव पड़ता है। इनकी वजह से ये क्या करते हैं, ये है शब्द बदल जाते हैं, और इनके बदलने में ही क्या होता है, विकार होता है बदलना। या ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी मतलब ऐसे शब्द आपके जिन पर न तो आपके लिंग, न वचन, न कारक, किसी का कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसे शब्द आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो समझ गए। अब विकारी शब्दों को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इनमें कौन कौन से आते हैं, पहला जो आपका होता है वह संज्ञा होता है, दूसरा जो इसका विभेद होता है वह आपका सर्वनाम होता है, और तीसरा जो इसका विभेद होता है, ठीक है, वह आपकी क्रिया होती है, और चौथा जो विभेद इसका बनता है जो है विकारी शब्दों का, वह विशेषण होता है। ठीक है, तो इसके 4 विभेद बनते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जब अविकारी शब्दों की बात करेंगे तो इसके भी 4 विभेद बनते हैं। पहला होता है आपका क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के बाद अगला इसमें जब हम बात करते हैं तो फिर इनमें जो है समुच्चय बोधक, ठीक है, ऐसे शब्द इसमें जुड़ने लगते हैं बीच में पीछे, जिनसे हमें क्या पता चलने लगता है कि अब ये है, इन्हीं को जो अविकारी शब्द होते हैं इनके लिए भैया विशेष शब्द इस्तेमाल होता है जिसको अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। इन चीजों को याद रखिएगा बहुत अच्छे से। मैंने इससे पहले भी जब शब्द सिर्फ पढ़ाया वहां पर इनकी विधिवत परिभाषा, इनके उदाहरण सहित सारी चीजें परिचर्चा की है। तो आज मैं बढ़ रहा हूं किस तरफ, संज्ञा के तरफ, यानी पहला विकारी शब्द आपके सामने आएगा और संज्ञा पर हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। भैया संज्ञा होता क्या है? ठीक है, संज्ञा कैसे शब्द होते हैं, कैसे पद होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में इसको आप नाउन के तौर पर जानते हो, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, भाव, गुण, दोष, इन्हीं के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा बोलते हैं। मतलब किसी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, दिन का नाम, महीनों का नाम, रत्न का नाम, ये सब क्या है, संज्ञा के तौर पर आते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। कुछ भी नाम है, किसी का भाव है, गुण है, दोष है, ये सब कुछ आपके संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संज्ञा को अगर एक शब्द में आपको परिभाषित करने को बोला जाए कि संज्ञा को एक शब्द में परिभाषित करिए, तो संज्ञा को आप सिर्फ बोल सकते हो नाम। नाम में कुछ भी हो गया, किसी का नाम हो गया भैया, वो सब क्या है, वो सब संज्ञा है। तो संज्ञा की एक शब्द में परिभाषा क्या है, नाम। आपने सिर्फ बोल दिया नाम, नाम का मतलब क्या हो गया, संज्ञा की परिभाषा आपकी पूरी हो गई।
ठीक है, तो संज्ञा को एक शब्द में भी परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर संज्ञा के विभेद में चलेंगे तो संज्ञा के विभेद भैया मूलतः तीन ही है। संज्ञा के जो विभेद बताए जाते हैं भेद, यह मूलतः तीन ही है। अब तीन में आप क्या करते हो, पांच पढ़ते हो। पहला जो इसका विभेद होता है वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। पहला जो इसका विभेद बनता है वह व्यक्तिवाचक होता है। दूसरा जो बनता है यह जातिवाचक होता है, ठीक है। तीसरा जो आपका बनता है, तीसरा जो इसका विभेद है वह भैया आपका क्या बनता है, वह बनता है आपका, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये तीन तरीके की संज्ञाएं आपकी मूल रूप से होती हैं, लेकिन जातियों में जब आप पढ़ते हो तो जातियों में दो इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जाति में एक तो चीज आती है कि जो किसी के क्या करे, समूह को बताती है, ऐसे शब्द जो किसी के समूह को दर्शाते, यानी वहां एक जाति बनती है। दूसरा, ऐसे तत्व जो है आपके शब्द जो किसी तत्व को दर्शाते हैं, ठीक है, तो उनमें चीजें भी जुड़ जाती हैं, तो वहां पर भी चीजों को क्या जोड़ लेते हैं, जहां पर तत्व पता चलने लगे तो वहां पर भी इनका एक अलग प्रकार बन जाता है। तो संज्ञा में मूल रूप से कितने हैं, तीन हैं। तीन में जो जातिवाचक होता है उसमें हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनके आधार पर इनके दो विभेद और किए जाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे शब्द मिलते हैं जिनसे समूहों का ज्ञान होने लगता है, ऐसे शब्द मिलते हैं जिनसे तत्वों का ज्ञान होने लगता है, और उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, इनको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलने लगते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा यहां पर बोलने लगते हैं, द्रव नहीं, द्रव्य, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप मैटर बोलते हो। तो द्रव्यवाचक यानी जिनसे किन्हीं तत्वों के बारे में, धातुओं वगैरह, इन सभी के नाम, मणि रत्न, इन सब के नाम मिलते हैं। तो जातिवाचक के दो विभेद बन जाते हैं। तो उम्मीद है ये चीजें समझ गए होंगे आप। फिगर मूल रूप से संज्ञा कितनी, तीन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को, इसी को बहुत अच्छे से समझिए। आज मैं इसी पॉइंट को आपका क्लियर करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। चलिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। चीजें बहुत आसान सी है, बस ध्यान देना है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसकी परिभाषा है। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। विशेष व्यक्ति, मेरा नाम रमन है, तो मुझे जब आप भीड़ में रमन बुलाओगे तभी मैं बोलूंगा, ठीक है। आपका नाम मान लीजिए राकेश है, अब मैं राकेश बुलाऊंगा भीड़ में तभी तो आप बोलोगे। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कह दिया अरे सुनो जरा, तो आप आगे बोले कि हाँ बताओ, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति से खास का नाम बताती है, मतलब विशेष का नाम बताती है। जैसे मानो सारे है, मान लो तुम्हारे सारे दोस्त हैं एक ग्रुप में, अब उसमें जिस दोस्त का नाम लोगे उसी खास को तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएगी। आपने बोला सुरेश यहां हो तो उसमें से सुरेश निकल गया आएगा, ऐसा तो है नहीं आपने कहा कि यहां हो तो जिसको आप चाह रहे थे वह निकल आया। मतलब किसी विशेष का नाम लेंगे, एक जाति विशेष से किसी का नाम लेकर आपने बुलाया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बना, समझ गए। जैसे व्यक्तियों में मैंने नाम लिख रखे हैं, महात्मा गांधी हो गया, भगत सिंह, रमेश, पवन, सीमा, विकास, अब ये सब व्यक्तियों के नाम है तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु का नाम हो गया जैसे कुरान, बाइबल, रामायण, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होगी, एक तरीके से पुस्तकों के नाम है, ग्रंथों के नाम है, तो ये सब भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गए। ऐसे किसी स्थान का नाम हो गया, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये सब भी क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या होंगे, उदाहरण होंगे। अब इनके उदाहरणों को कुछ मैं आपके बता रहा हूं, जैसे यहां लिखा है विकास फुटबॉल खेलता है, अब विकास को पर्टिकुलर दिखा रहा है, यानी यहां किसी विशेष का नाम हो गया इस वजह से व्यक्तिवाचक। राम मेरा दोस्त है, कौन, राम, तो राम यहां विशेष हो गया। प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार थे, उपन्यासकार बहुत है लेकिन प्रेमचंद की बात हो गई तो ये व्यक्तिवाचक। रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी है, ऐसे सारी चीजों को मैंने जो है सारे वाक्यों को स्पष्ट किया है। तो यहां पर आपको समझना यह है कि जो व्यक्ति विशेष के बारे में बातचीत करती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी होती है, समझ गए। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आगे इसमें बहुत सारे उदाहरणों को मैंने अलग अलग तरीके से आपका लिखा है, ठीक है। जैसे यहां मैंने लिखा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी, मतलब जैसे पलट के आपसे सवाल पूछेगा उस अनुसार मैंने इसके बहुत तरीके के आपके उदाहरण सेट कर दिए हैं, पीडीएफ में पूरी लगी है नोट्स, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी, मुझे मराठी में बात करना बहुत पसंद है, अभी मैं जापानी भाषा सीख रहा हूं, ठीक है। तो इसमें जैसी चीजें आपकी आ रही, हिंदी, अंग्रेजी आदि दुनिया में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं,
ये भाषाओं का बोध नहीं कराकर किसी विशेष भाषा का बोध करा रही है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आई, समझे। ऐसे तीसरी चीजें यहां पर प्रारंभ है। महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से भी जानते, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी बोलते, ऐसे जो शब्द आपके आ रहे हैं यहां पर ये चीजें क्या बन रही है, महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, समझ गए। जैसे मैंने फिर स्थान विशेष को लिखा है, जैसे मैं बेंगलोर में रहता, मुंबई एक स्मार्ट सिटी बन गया, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर, आगरा में ताजमहल है, मतलब विशेष यहां स्थान विशेष को सभी में उदाहरण बता दिया गया। तो यहां जो स्थानों के नाम आपके आ रहे, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये सब जो आ रहे, ये महानगर का बोध नहीं करा रहे, ये कुछ विशेष महानगर का यहां पर बोध करा रहे, इसलिए ये क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। मैंने हर एक तरीके के उदाहरणों को लिख दिया है कि आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो, अगर शब्दों को बदल रहा, वाक्य नए बना रहा, तो नए वाक्यों को कैसे सीखते हैं कि ये किनका उदाहरण, इसीलिए मैंने बहुत व्यापक तौर पर यहां पर सारे उदाहरणों को सेट किया है। जैसे मेरा नाम पंकज है, शाहरुख खान सबसे बेहतरीन अदाकार है, दिल्ली काफी पुराना शहर है, विकास फुटबॉल खेलता है, मतलब इनमें भी आपको भाव अलग अलग मिलने लगेंगे। तो यहां पर जो चीजें जितनी भी आपकी प्रयुक्त हुई है, ठीक, वो सब क्या है, कहीं ना कहीं आपके विशेष किसी नामों को दर्शा रही है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। इसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो इनके अगले विभेद हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूरा स्पष्ट तरीके से, ठीक है, फिर अगला होगा। तो ऐसे धीरे धीरे एक एक चीजों को छोटे छोटे टर्म पर हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको जातिवाचक संज्ञा के दोनों विभेदों सहित यानी तीनों संज्ञाओं के बारे में व्यापक पर चर्चा करूंगा, क्योंकि उनका एक साथ जिक्र करना बहुत जरूरी होता है। तो इसको मस्त होकर पढ़िए, जो भी टीम मेहनत करती है, जिनका भी आपको, जिस सर का भी लेक्चर मिले, आपको क्या सीख मिलती है, उन सारी चीजों के बारे में, टीम के बारे में अच्छा अच्छा कुछ कमेंट करके जाइए, हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये रिलेशन बहुत जरूरी है भैया, ठीक है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के तौर पर ये रिलेशन बहुत जरूरी है। आप जब बेहतर चीजें हमें बोलते हो, तो हम उतने ही जो है बेहतर ऊर्जा के साथ आपके साथ आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाते रहेंगे, मस्त होकर पढ़िए, बाकी टीम आपके साथ है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।